बताइए, माता वैष्णो देवी भवन में आग लगी है और ये आग जो है, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक माता वैष्णो देवी भवन में जो चढ़ावा चढ़ता है और उस चढ़ावे को जिस कक्ष में रखा जाता है वहां पर ये आग लगी है। काफी नुकसान की जानकारी जो है वो हमें मिल रही है और इस समय तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भवन के बीचों बीच में से जहां माता रानी विराजमान है उसके बगल में ही बिल्कुल वो कक्ष है जहां पर सारा चढ़ावा का पैसा जो है वो रखा जाता है। पूरा धू धू करके जल रहा है, काफी बड़े पैमाने पर जो धुआं है वो भवन के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शाम 4:30 बजे के आसपास आग लगने की सूचना जो है मिली है। आनंद फानंद में वहां पर जो फायर टेंडर्स है उनकी मदद ली गई है और वहां पर आग बुझाने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन काफी नुकसान की जो जानकारी है वो इस समय हमारे पास आ रही है क्योंकि सीधे तौर पर उस कक्ष में आग लगी है जहां पर माता वैष्णो देवी के भवन में जो चढ़ावा चढ़ता है और उस चढ़ावे का जो सारा पैसा है जहां पर रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर जो श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं वो इस समय आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरा का पूरा शेड जो है जहां पर ये पैसा रखा जाता है वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उनको बुलाया गया है और ये पूरा का पूरा शेड जलकर खाक हो चुका है और काफी नुकसान की जानकारी मिल रही है। हालांकि नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया है, जब पूरी जानकारी मिलेगी तो वो हम पूरे अपडेट के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो 4 नंबर रूम है माता वैष्णो देवी भवन का उसके ठीक सामने जो पौड़ियां जाती हैं और उसी के ऊपर जहां माता वैष्णो देवी का भवन का कक्ष बना हुआ है जहां माता रानी विराजमान होती हैं उसी के सामने जो शेड बना हुआ है वहां पर ये आग लगी है और काफी नुकसान की खबर जो है इस समय हमारे पास आ रही है। और सीधे तौर पर माता वैष्णो देवी के भवन से ये तस्वीरें आप सीधी तौर पर देख पा रहे हैं और ये आग जो है वो लगी हुई है, काफी भीषण आग देखने में लग रही है क्योंकि धुआं के गुब्बार जो है वो काफी ज्यादा निकल रहा है और फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर फिलहाल काबू पाया गया है। आग पर तो काबू पाया गया है लेकिन नुकसान की जो जानकारी है वो अभी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है क्योंकि उस कक्ष में आग लगी है जहां पर माता वैष्णो देवी भवन का चढ़ावे का पूरा पैसा रखा जाता है और वहां पर ये सीधे तौर पर जो है इस समय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन जो है वो पता लगाया जाए कि आखिरकार कितना नुकसान वहां पर हुआ है। लेकिन बड़ी खबर जो है इस समय आप जम्मू लद्दाख विजन पर देख रहे हैं।